Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST, History subject of class 7th. Lesson 8, Social Changes, Mobile and Settled Communities. Okay students, I had already discussed with you some parts of this lesson and now I am going to teach you the closer look topic Gonds. Okay, और Gonds क्या थे बेटा, ये भी एक ना tribes थी, ये भी एक जनजाति थी. So let's start our today's class. The scholars believe that the Gonds settled in Gondwana between the 9th and 13th century. Scholars मतलब जो विद्वान होते हैं, विद्वान लोग का ये मानना है कि जो गोंड जनजाति थी ये गोंडवाना के बीच में गोंडवाना में रहती थी और ये 9th और 13th सेंचुरी के बीच में ये गोंडवाना में रहती थी गोंड जनजाति. गोंडवाना आर द लैंड ऑफ द गोंड्स इन द एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश. और जो गोंडवाना जनजाति थी ये लैंड ऑफ गोंड्स मतलब ये गोंडवाना को क्या कहते हैं कि ये गोंड मतलब जो जनजाति थी इसकी ये लैंड थी, मतलब यहाँ पे गोंड जनजाति ज़्यादा रहते इसलिए गोंडवाना नाम पड़ा. और ये इन द और ये जो एरिया है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट पार्ट में गोंड रहते थे और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में रहते थे और पार्ट साल कुछ छत्तीसगढ़ के भी पार्ट में ये गोंड जनजाति रहती है और उड़ीसा नॉर्थ आंध्र प्रदेश वहाँ भी गोंड जनजाति है. द गोंड्स बिकम प्रोग्रेसिव एंड वेल्दी फार्मर्स. और जो गोंड जनजाति है ये प्रगतिशील और ये वेल्दी मतलब जो धनवान किसान है, गोंड ऐसे होते हैं ये प्रगतिशील भी हैं और ये धनवान किसान भी हैं. एंड वेयर वर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इंटू राजवंशी आर राजपूत. ओके, और इसके बाद यही जो गोंड जनजाति यही धीरे धीरे बदल गई राजवंशी या राजपूत में. द मुस्लिम्स राइटर्स डिस्क्राइब द राइज ऑफ गोंड स्टेट आफ्टर द 14th सेंचुरी. और जो कुछ मुस्लिम राइटर्स हैं मतलब जो मुस्लिम लेखक हैं वो ये बताते हैं कि जो गोंड जनजाति है ये 14th सेंचुरी के बाद आई, मतलब 14th सेंचुरी के बाद वो इसका इसको डिस्क्राइब करते हैं गोंड जनजाति को जो मुस्लिम राइटर्स हैं. अकबरनामा द ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ द मुगल एम्परर अकबर्स रीजन मेंशन द गोंड किंगडम. और अकबरनामा आप जानते हो कि ये अकबर के ऊपर लिखी गई बुक थी और ये ऑफिशियल क्रॉनिकल मतलब आधिकारिक इतिहास, इसमें ये मानते हैं कि जो मुगल एम्परर मुगल शासन में गोंड लोगों का उसमें मतलब बताया गया है, अकबरनामा में गोंड लोगों के बारे में बताया गया है तो इसलिए इट रेफर्स टू द गोंड किंगडम एज गढ़ कटंगा हैंड हैविंग 70,000 विलेजेस. और उसमें ये बताया गया कि जो गोंड राज्य है वो गढ़ कटंगा में था और इसमें 70 विलेज शामिल थे तो इसलिए जो मुस्लिम राइटर्स हैं तो इसीलिए इसको मानते हैं कि जो गोंड जनजाति आई ये 14th सेंचुरी में से स्टार्ट इसका मानते हैं. व्हेन द रूलिंग राजपूत डेंसिटीज इन दिस रीजन डिक्लाइन द गोंड्स एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स एज द रूलर एज एट 4 सेंटर्स इन सेंट्रल इंडिया बिटवीन द 16th एंड मिड 9th सेंचुरी. जब राजपूत लोगों का शासन धीरे धीरे ख़त्म होने के टाइम पे था, मतलब डिस्क्लाइम मतलब पतन हो रहा था, उसी समय गोंड जनजाति जो थे ये अपने आप को वहाँ पे सेंट्रल इंडिया में अपना 4 सेंटर मतलब ये 4 सेंटर बनाते हैं वहाँ पे सेंट्रल इंडिया में. और वो सेंटर बनाते कब है, अपना 16th और मिड 19th सेंचुरी तक ये लोग अपना 4 सेंटर बना लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे राजपूत डेंसिटी जो थी वो ख़त्म होने के कगार पे थी, इसीलिए फिर गोंड जनजाति अपने आप को स्थापित करने के लिए वो सेंटर बनाते हैं 4, वो सेंटर बनाते हैं 16th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच में 4 सेंटर वो अपना बनाते हैं कि अपना राज्य वो स्थापित करना चाहते थे गोंड जनजाति. गढ़मंडला आर गढ़ कटंगा डियोगढ़ चंडा एंड केरला ये सब क्या था, ये अभी इसके बारे में बताया जाएगा. द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द गोंड किंगडम्स ग्रेजुअली बिकम सेंट्रलाइज्ड. अब क्या था कि ये लोग अपना 4 सेंटर बना चुके थे और अब गोंड लोग का जो किंगडम राज्य था ये अब ये लोग सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत करना चाहते थे, मतलब ये पूरा स्टेब्लिश करना चाहते थे अपना. तो इसके लिए कुछ लोग रूल्स भी फॉलो किए, जैसे लाइक कुछ अब इन लोग किस तरह से ये सेंट्रलाइज्ड करते हैं, 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया. ईच किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़ ईच ऑफ विच वॉज कंट्रोल्ड बाई अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन. और ईच किंगडम जितने भी राज्य थे वो सभी डिवाइड कर दिया गया था गढ़ में और उस पर हर एक प्लेसेस में हर एक गढ़ में कंट्रोल हुआ करता था किसी ना किसी एक गोंड जनजाति गोंड कुल के लोगों का.
वही उसमें उनका कंट्रोल शासन होता था। ईच गढ़ वॉज डिवाइडेड इन टू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस नोन एज 84 एंड दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू बारोड्स मेड अप 12 विलेज। और इस समय क्या करते थे ये लोग 84 फिर से अब जो गढ़ था वो गढ़ को भी 84 विलेज में डिवाइड करते थे जिसको 84 के नाम से जानते थे। और इसके बाद फिर उस जो ये लोग डिवाइड किए थे 84 विलेजेस को उसमें भी ये लोग डिवाइडेड करते थे किसमें सब उसको भी डिवाइड किए गए थे और उसको 12 वो बरोड्स में डिवाइड किए थे जिसको ये क्या 12 विलेज में डिवाइड करते थे वो बरोड्स कहते थे। तो इस हिसाब से ये अपना डिवाइडेशन एडमिनिस्ट्रेशन का रखते रहे चले गए। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी एंड बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इंटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। इमर्जेंस ऑफ लॉन्ग स्टेट्स मतलब जो बड़े राज्य का उदय हो रहा था उसको भी क्या चेंज ऑफ द नेचर गोंड सोसाइटी मतलब जो गोंड समाज था उसके आधार पर जो सोसाइटी समाज चेंज हो रहा था बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था उसमें पहले क्या था कि बेसिकली इक्वल सोसाइटी मतलब उस समय क्या था तब जब उदय होने लगा तो वो सभी इक्वल सोसाइटी थी मतलब सब बराबर थे। बट धीरे धीरे वो जो सोसाइटी गोंड सोसाइटी थी वो गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस मतलब अब वो धीरे धीरे जो इक्वलिटी समानता नहीं थी उसमें समानता के आधार पर नहीं डिवाइड हुई। इन द 16th century द गोंड राजा ऑफ गढ़ मंडला या फिर गढ़ कटंगा दोनों एक ही नाम है संग्राम शाह एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर 52 डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो गढ़ कटंगा के राजा थे 16th century में संग्राम शाह ये अपने पावर अपनी शक्तियों को 52 डिस्ट्रिक्ट में ये बांट देते हैं। संग्राम शाह एल्डेस्ट सन दलपत शाह मैरिड रानी दुर्गावती और जो संग्राम शाह था उसकी शादी संग्राम शाह के एल्डेस्ट लड़का जो था उसका नाम था दलपत शाह और उसकी शादी हुई थी रानी दुर्गावती से अ कैंडला प्रिंसेस और वो जो थी वो कैंडेलाल की प्रिंसेस थी। हाउ एवर दलपत शाह डेड इन 1548 AD लिविंग अ माइनर सन और दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है 1548 AD में और उसका एक छोटा बेटा रहता है उसको छोटे बेटे को छोड़ के उसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्गावती टुक ओवर द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट और दलपत शाह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी दुर्गावती ये पूरे शासन की बागडोर पूरा शासन अपने हाथों में ले लेती हैं और वो चलाना पूरा शासन चलाना स्टार्ट करती हैं। फ्रॉम 1548 to 1564 AD सी गवर्न्ड द कंट्री असिस्टेड बाई टू मिनिस्टर और 1548 से लेके 1564 तक के बीच में दुर्गावती अपने शासन को दो मिनिस्टर्स के द्वारा चलाती रही। आधार कायस्थ एंड मेन ब्राह्मण ये दो मिनिस्टर थे जो चला रहे थे। सी कैरिड आउट मेनी यूजफुल पब्लिक वर्क्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर किंगडम और जो रानी दुर्गावती थी ये अपने राज्य के और लोगों के कल्याण के लिए लोगों की भलाई के लिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग काम बहुत सारे उपयोगी काम स्टार्ट करती हैं। विनिंग द हर्ट्स ऑफ पीपल लोगों के दिलों को जीतने के लिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के काम स्टार्ट करती हैं। सी बिल्ड अ ग्रेट रिजर्वायर क्लोज टू जबलपुर कार्ड रानीताल और जबलपुर के पास रानीताल एक प्लेस था वहाँ पर ये रिजर्वायर मतलब जलाशय भी खुदवाती है जलाशय मतलब जैसे कुआं पहले के टाइम में था हाँ तो वही खुदवाती ताकि लोगों को वहाँ पे वाटर भी इजिली अवेलेबल हो सके। लाइक हर हस्बैंड्स प्रेडिसेसर्स द सी एक्सटेंड हर टेरिटरी एंड एकॉम्प्लिश्ड द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ गोंडवाना आल्सो कॉल्ड गढ़ कटंगा विथ करेज जेनरसिटी एंड टैक्ट। जैसे उसके पहले हस्बैंड करते थे लाइक जो दलपत शाह थे वो अपने हस्बैंड की तरह ही पहले की तरह अपने राज्यों का क्या करती थी एक्सटेंड हर टेरिटरी वो अपनी प्रदेश अपने राज्य का विस्तार करती है। एकॉम्प्लिसाइड अ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ गोंडवाना और गोंडवाना लैंड का जो एकीकरण होता है एक साथ उसको रखना इसको भी ये पूरा करती है। आल्सो कॉल्ड गढ़कटंगा जिसे गोंडवाना को ही गढ़कटंगा कहते थे विथ करेज जेनरसिटी एंड टैक्ट वो बहुत ही साहस के साथ उदारता के साथ जो गोंडवाना लैंड को एक करने में उसमें सफल होती है। पीपल वर प्रॉस्पेरस और उसके जब रानी दुर्गावती के शासनकाल में जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। आउट ऑफ 20
3000 विलेजेस इन हर किंगडम, और लगभग 23000 से भी ज़्यादा गांव रानी दुर्गावती के राज्य में था। 12000 वर डायरेक्टली मैनेज्ड बाय हर गवर्नमेंट, और वो 12000 गांव ऐसे थे जिसको डायरेक्टली एक खुद रानी दुर्गावती वहाँ की मैनेजमेंट शासन व्यवस्था को और वहाँ के शासन को चलाती थी। हर लार्ज वेल एक्विपाइड आर्मी इज सेड टू हैव कंसिस्टेड ऑफ 20000 क्लेवरली एंड 1000 वार एलिफेंट्स बिसाइड्स अ गुड नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स। और रानी दुर्गावती के राज्य में किंगडम में हर लार्ज वेल एक्विपाइड आर्मी बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही मतलब मेंटेन मतलब सिखा बहुत अच्छे आर्मी सेना को भी अपने शासनकाल में रखी थी, और हैव कंसिस्टेड 20000 क्लेवरली, और लगभग उसमें 20000 से ऐसे ज़्यादा आर्मी रखी थी जो बहुत ही चालाक, बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत ही अच्छे थे, निपुण थे ये। एंड 1000 वार एलिफेंट्स, और ये 1000 हाथियों को भी युद्ध करने के लिए रखी थी। बिसाइड्स अ गुड नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स, और इसके बाद बहुत ही सारे पैदल सैनिकों को भी रखी थी ये युद्ध के समय लड़ाई करने के लिए। सी डिस्ट्रिग्यूनिस्ट हर सेल्फ एज अ वॉरियर एंड फॉट विद सक्सेस अगेंस्ट बाज बहादुर, और सी डिस्ट्रिग्यूनिस्ट मतलब वो अपने आप को एक वॉरियर एक योद्धा के रूप में भी प्रसिद्ध की थी, मशहूर हो गई एक योद्धा के रूप में, और एंड फॉट विथ सक्सेस अगेंस्ट बाज बहादुर द सुल्तान ऑफ मालवा, और जो मालवा के सुल्तान थे बाज बहादुर उससे भी ये लड़ाई करने में वे उनके उनसे उसके विरुद्ध लड़ाई करने में भी ये सफल हुई दुर्गावती। स्टोरी ऑफ हर एक्सप्लोर्स एज अ वॉरियर एंड हंटर आर स्टिल करेंट इन द एरिया, और रानी दुर्गावती की जो वॉरियर्स योद्धा के रूप में और लड़ाई करने एक योद्धा के रूप में और उसके जो हंटर जो शिकार वाले क्षेत्र थे वो अभी भी मौजूद हैं, और इसकी कहानियाँ भी उनकी वॉरियर योद्धा के रूप में जो कहानियाँ थी वो भी अभी भी मशहूर है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस वॉरियर थी ये। हर किंगडम फेल अ विक्टिम टू अग्रेशन एज द मुगल एम्पायर स्प्रेड, और हर किंगडम मतलब जो रानी दुर्गावती का राज्य था फेल अ विक्टिम वो विक्टिम टू अग्रेशन द मुगल एम्पायर स्प्रेड, मुगल राज्य के फैलने के बाद ये इनको सफलता नहीं मिल पाई, मतलब मुगल साम्राज्य जीत जाते हैं। इन 1565 AD द मुगल अटैक्ड गढ़कटंगा, रानी दुर्गावती फॉट ब्रेवली एंड डेड फाइटिंग फॉर द काज ऑफ हर किंगडम, और 1565 से टाइम में मुगल जो थे वो गढ़कटंगा पे आक्रमण करते हैं, और रानी दुर्गावती बहुत ही बहादुरी के साथ रानी दुर्गावती फॉट ब्रेवली रानी दुर्गावती बहुत बहादुरी के साथ उनसे लड़ाई करती है एंड डेड फाइटिंग फॉर द काज ऑफ हर किंगडम, और वो अपने राज्य के लिए लड़ाई करते करते युद्ध करते करते वो मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। द मुगल एम्पायर हाउ एवर इंजॉयड लिटिल मोर देन द नॉमिनल सुपरमेसी, और मुगल साम्राज्य में जो नाम मात्र का शासन था नाम मात्र के शासन के वर्चस्व की वजह से उस टाइम में बहुत ही कम इंजॉय हो पाया। एंड द प्रिंसेस ऑफ गढ़ मंडला मेंटेन्ड अ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस अंटिल द ईयर सब्जेक्शन बाय द मराठा गवर्नर्स ऑफ सागर इन 1781 AD, और गढ़मंडला की जो प्रिंसेस थी राजकुमारी थी वो मेंटेन्ड अ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस मतलब व्यवहारिक तौर पे जो स्वतंत्रता थी उसको लेकर अब सब्जेक्शन बाय द मराठा गवर्नर ऑफ सागर इन 1781 AD, और ये 1781 AD में मराठा गवर्नर्स की अधीनता को स्वीकार कर लेती हैं क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पे बस स्वतंत्र थी इसलिए इनको अधीनता मराठों की स्वीकार करनी पड़ती है। असम गोंड जमींदार सर्वाइव्ड अंटिल रिसेंटली बट अभी भी कुछ गोंड जमींदार हैं जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं मतलब अपने आप को बचाए रखे मेंटेन रखे हैं वो अपने आप को इस माहौल में भी ढाल चुके हैं। हाउ एवर गोंड्स आर सिमिलरली टू मेनी ट्राइबल ग्रुप्स टूडे इन डेट दे फेस सर्वर इकोनॉमिक हार्डशिप्स, फिर भी हालांकि गोंड जो थे वो आर सिमिलरली मेनी ट्राइबल पीपल्स वो क्या थे वो जनजाति लोगों का एक समूह था गोंड लोग जो थे टुडे इन द फेसेस सब बट जो गोंड लोग थे वो प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे इकोनॉमिक मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि ये एक जनजाति थे जनजाति लोगों का एक ग्रुप है गोंड। ऑल्दो सम गोंड्स ग्रुप वोन अ ग्रेट डील ऑफ लैंड बट प्रेजेंट ऐसा नहीं कि सारे गोंड्स की कंडीशन वो आर्थिक स्थिति से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं बल्कि कुछ गोंड ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ लैंड मतलब जो उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है और वो बहुत ज़्यादा जमीनों को जीत रखे मतलब अपने पास रखे हैं। अदर आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच मीन दे नीड
स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिक है, बट अभी अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड ऐसे लोग हैं अलग अलग तरह के, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जो जनजाति लोग हो गए हैं वो लोग अभी भी हैं, और जो विच मीन्स जिनका मतलब है कि उन्हें सोशल सामाजिक और आर्थिक तौर पे उनको ज़रूरत है, मतलब जो गुण है अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक रूप से उनकी मदद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्राइबल जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब वो जनजाति पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें आगे करने के लिए उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट गोंड। थैंक यू।